आमिर, हमने देखा जैसे फिल्म में, इस तरफ ऑन योर लेफ्ट अगेन शिवांगी, जैसे फिल्म में देखा कि इंटरनेट से जायरा जो है वो कहीं ना कहीं जो फेमस हो रही है या फिर अपने गानों को इंटरनेट पर डाल रही है। इंटरनेट के कई एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाल ही में ब्लू व्हेल एक गेम था जिसकी वजह से एक लड़के ने, एक 14 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो क्या आपको लगता है कि इंटरनेट जिस तरह से हम फिल्म में दिखा रहे, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए या फिर इस तरह से कुछ जो बच्चे हैं उन तक ऐसा मैसेज पहुंचे कि इंटरनेट उपयोगी भी है तो उसके कई ना कई डिसएडवांटेजेस भी हैं? देखिए, मुझे लगता है हर चीज़ में ही है। इंटरनेट एक नया मीडियम है, लेकिन हर चीज़ में, कोई भी चीज़ अगर उसका आप सही उपयोग नहीं करें तो उससे नुकसान हो सकता है। अच्छी से अच्छी चीज़ का अगर आप सही उपयोग नहीं करें तो उससे नुकसान हो सकता है। तो जाहिर है, हम अपने सारे बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि सही उपयोग हो, और ये काफ़ी हद तक जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की, टीचर्स की, जो परिवार वालों की, कि हम सही सीख दें बच्चों को। लेकिन कभी कभी हमारे पूरी कोशिश के बावजूद से कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। ये बहुत अच्छा सवाल पूछे, पहले इनको आंसर करना तो फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, मैं कॉलेज में एक्ट करती थी, बट दैट वाज इन वन ऑफ माय यू नो सीक्रेट ड्रीम्स कि मैं एक्टर बनूं। मज़ा तो बहुत आता था। आई थिंक उससे मैंने बहुत सीखा, और डायरेक्शन के, जब मैं डायरेक्ट करती हूँ, मुझे एक्टर्स के साथ काम करने में जो मज़ा आता है वो एक्चुअली एक्ट करके वो नॉलेज मिली है, तो बहुत मज़ा आता है। आई हैव नो रियल इंटेंशंस टू एक्ट। मुझे थिएटर में बहुत इंटरेस्ट है, और आई फील कभी रिटायर हो गई तो थिएटर करना चाहूँगी, यू नो, इवन ईदर एज अ डायरेक्टर और एन एक्टर, इट वुड बी ग्रेट फन। Am I open to it? मुझे बहुत एक फिल्म बनानी है एक्चुअली। आई रियली वॉन्ट टू डायरेक्ट अ फिल्म, एंड आई एम नॉट क्लोज टू एनी थिंग। आई लव टू एक्ट, आई लव टू सिंग, आई वुड लव टू डांस, मतलब मुझे बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन कोई किसी ने बहुत अच्छा रोल ऑफर किया तो क्यों नहीं। आई डोंट, आई वुडंट एवर से आई नेवर, बट राइट नाउ माई फोकस इज टू मेक अ फिल्म। हो गया आंसर, हो गया। मैं कब से बोल रहा हूँ किरण को कि आप एक्टिंग करो, आप लोगों को शायद ये पता नहीं है, शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, बेहतरीन एक्टर है वो। और जब हम जब ये बना रही थी धोबी घाट, तो उसमें जो रोल है यास्मीन का, तो यास्मीन का जो रोल है वो रोल सोलो रोल है, मतलब वो अपने आप को कैमरे में शूट करती है, किसी और किरदार के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करती। और जब भी हम स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो यास्मीन की कास्टिंग तब हुई नहीं थी, और किरण यास्मीन का पार्ट पढ़ती थी, इतना बेहतरीन पढ़ती थी वो। और मैं बोल बोल के थक गया कि आप यास्मीन का रोल करो, लेकिन नहीं मानी। बोला नहीं, मुझे डायरेक्ट करना है, मुझे, आई वॉन्ट टू ओनली डायरेक्ट। मैं समझाया, मैंने बोला भैया बाकी फिल्म आप डायरेक्ट करोगे, आप हमको डायरेक्ट करोगे, ये एक रोल है जिसका आप अकेले हो, आप खुद कैमरा रखोगे और आपको कैमरे से बोलना है, तो उस सीन में आप अपने आप को ही डायरेक्ट कर रहे हो, और किसी को कोई है नहीं डायरेक्ट करने के लिए। लेकिन नहीं मानी वो। हालांकि जो लड़की जिसने यास्मीन का रोल किया उसने भी बड़ा अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तो मैं तब से कह रहा हूँ इनको कि आप एक्टिंग करो, एक्टिंग करो, सुनती नहीं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने गाना गाया, मैंने बोला गाना गाओ, गाना गाओ, वो हमारा पानी फाउंडेशन का गाना गाया उन्होंने, इतना अच्छा गाती हैं, इतनी अच्छी एक्टर हैं, लेकिन सुनती नहीं।